आज हम फालूदा की सिवई बना के तैयार करेंगे। घर में सिवई बनाना फालूदा का बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाहर तो ऐसे भी हमको मार्केट में तरह तरह की फ्लेवर में रंग बिरंगी सिवैया मिल जाता है फालूदा के लिए, लेकिन घर में अगर आप एक बार इसको बनाते हैं तो 4-5 दिन तक रेफ्रिजरेटर में रख के इसमें से आप फालूदा बना सकते हो और आइसक्रीम वगैरह भी बना सकते हो। आसान और झटपट बन के तैयार हो जाता है। स्पेशली फालूदा को जब हम सर्व करते हैं उसमें अगर रंग बिरंगी हमको मिल जाता है फालूदा सिवई, तो फालूदा का जो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि अगर हम रॉयल फालूदा बनाते हैं तो उसके लिए रोज सिरप ले लेते हैं, उसके ऊपर सिवई जरूर डालते हैं, चाहे व्हाइट कलर हो चाहे कलरफुल हो। और जो भी कलरफुल होता है सिवई, उससे ये जो फालूदा का जो प्रेजेंटेशन सुंदर दिखता है। तो हम आज कलरफुल और फ्लेवर वाला सिवई बना के तैयार करेंगे। 1 कप ले लेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 कप की मेजरमेंट में हम फालूदा की सिवई बना के तैयार करेंगे। अगर आपको कम बनाना है तो 1/2 कप आप ले लेना कॉर्नफ्लोर, और उसी हिसाब से जो जो सामान मैं यूज़ करने वाले हूँ सबको आधा आप कर लेना और उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ले लेना। इसमें थोड़ा सा मिठास ऐड करेंगे, इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून शक्कर ले लिया है। पहले हम 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे, और एक साथ पानी नहीं डालना है। अच्छे से अगर हमको मिक्स करना होता है कोई भी ड्राई फ्लोर को, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के उसको मिक्स करते जाना है। ये वाला बीटर का हम यूज़ करेंगे। थोड़ा पानी मैंने डाल दी है। पहले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे कॉर्नफ्लोर और पानी को। थोड़ा सा ध्यान रखें जैसे कि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। और 1/2 कप जो बचा था मैंने डाल दी है। 1 कप पानी तो मैंने मिला दी है, बाकी पानी को बाद में डालेंगे इसको मिक्स करने के बाद। ऐसे तो बाज़ार में जो फालूदा सिवई नॉर्मली मिलता है सफ़ेद कलर का, उसमें ना फ्लेवर रहता है ना मिठास रहता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा मिठास भी ऐड करेंगे और फ्लेवर भी ऐड करेंगे, ताकि जब हम फालूदा में इसको डालें फालूदा का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। दो तीन बूंदे वैनिला एसेंस ऐड करेंगे। आप कोई भी एसेंस डाल सकते हो इसमें, लेकिन वैनिला एसेंस जो है हर कोई फ्लेवर के साथ चला जाता है, इसलिए मैंने वैनिला एसेंस इधर ऐड किया है। बाकी जो बचा पानी को अभी हम मिक्स कर देंगे। 1 कप जो हमने लिए थे कॉर्नस्टार्च, उसके लिए डालना है हमको 2 कप, और उसके साथ 1/4 कप पानी। 2 कप मैंने डाल दिया है और 1/4 कप हम ऐड कर लेंगे। अभी हम सारे चीज को अच्छे से बीट कर लेंगे। ये ज़्यादा भी पतला नहीं करना है इसको, और इसको गाढ़ा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। फिर भी इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही पतला रहता है, आप देख सकते हो। अभी हम इसको कुक करेंगे। कुछ पानी को मैंने फ्रिज में रखा था। ये जो 1/2 पतीला पानी है इधर आप देख रहे हैं, इसको 2 घंटे पहले मैंने फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि फालूदा जब हम बनाएंगे ठंडा पानी के ऊपर उसको बनाया जाता है। इसमें और थोड़ा सा हम आइस ऐड करेंगे। फालूदा जब गर्म रहता है सेव जैसा निकलता है, ठंडा पानी की वजह से वो सेट हो जाता है परफेक्टली, इसलिए फ्रिज में रख के जरूर पानी को लेना है। और उसके ऊपर और थोड़ा सा बर्फ भी ले लेंगे हम। पहले से अरेंज करके रख लेते हैं तो फटाफट फालूदा को इसमें हम डाल सकते हैं और फालूदा भी सेट हो जाता है परफेक्टली। कॉर्नफ्लोर और पानी का जो घोल हमने बनाए थे उसको एक पैन में हम ले लेंगे। अभी हम फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना है, लो मीडियम ही रखना है, बाद में फ्लेम को लो भी कर लेंगे। लगातार इस तरीके से चलाते हुए इसको कुक करना है, क्योंकि ये गर्म होते ही फटाफट ठीक होना शुरू हो जाएगा, इसलिए तभी आपको फ्लेम को स्लो करना है और इसको इस तरीके से ही लगातार चलाते रहना है। 2 मिनट के अंदर अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो 1 मिनट के बाद कॉर्नस्टार्च कैसे नीचे से ठीक होते जा रहा है और ऊपर दूध जैसा दिख रहा है। तो एक डायरेक्शन में आपको इस तरीके से मिलाते जाना है। फ्लेम को अभी मैंने स्लो कर दी है। कुछ टाइम बाद ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा, तभी हम फ्लेम को बंद करेंगे।
और बस एक मिनट तक इसको मिलाएंगे। अब ये बनके तैयार हो चुका है, क्योंकि आप इसका टेक्सचर को देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट भी दिखने लगा है और थिक भी बन चुका है। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है फालूदा सेव बनाने के लिए। हम सब नमकीन वगैरह बनाते हैं, उस टाइप का एक सेव मेकर ले लेंगे हम। इसमें हम बनाएंगे फालूदा के सेव, पतला वाला सेव जिसमें बनाते हैं उस टाइप का एक ले लेंगे मोल्ड को। गर्म ही इसको डालना है, थोड़ा सा ठंडे होते ही ना ये पूरा गाढ़ा बन जाता है और फिर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये जो कॉर्नफ्लोर का जो घोल है इसमें से। तो ऐसे ही गर्म ही उसको लेना है। हाथ बहुत गर्म हो रहा है इसलिए कपड़े में मैं मोल को पकड़ लेती हूँ। सिंथेटिक कपड़ा ने कॉटन कपड़े में ही ये जो मोल को आपको रखना है, नहीं तो हाथ और भी गर्म हो जाएगा। अभी हम इसका कवर को बंद कर देंगे। ठंडा वाला पानी के ऊपर हम सेव बनाएंगे। बस धीरे धीरे इस तरीके से घुमाते हुए बनाते जाना है आपको। ये जो कॉर्नस्टार्च का बैटर है ये पूरा गर्म है अभी, और जब ये ऊपर बर्फ वाला पानी के ऊपर गिरता है तो सेट हो जाता है। फटाफट तो नहीं होगा, 20-30 मिनट लगता है। इसको पहले हम अच्छे से बना देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए सेट होने के लिए। अगर आपका जो कॉर्नस्टार्च का बैटर परफेक्टली बना हुआ होता है तो अच्छी तरीके से इस तरीके से फालूदा का सेव बन के तैयार होता है। इसमें हम फालूदा का सफ़ेद वाला सेव या सिवई बना रहे हैं, बाकी जो बच गया है बैटर उसमें थोड़ा सा कलर मिला के कलरफुल वाला हम सेव भी बना लेंगे। बाकी जो बैटर बच गया है इतने टाइम में ही आप देख सकते हो ये गाढ़ा बन चुका है। मैंने इसको मिला दिया अच्छे से, इसमें कलर डालेंगे, थोड़ा सा येलो और ऑरेंज फूड कलर में डालूंगी। आप अपने मनचाहे कलर इसमें ऐड कर सकते हो। अभी हम इसको मिला देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, हल्के से मिलाएंगे ताकि जब हम सेव बनाए कहीं कहीं जगह पे येलो भी दिखेगा, ऑरेंज भी दिखेगा और रेड भी दिखेगा। बस इतना ही मिलाना है। बैटर को मोल में भर लेंगे। आप चाहे तो अलग पानी में भी इसको बना सकते हो, लेकिन मैं मिक्स करके यहाँ बना रही हूँ। सफ़ेद वाला जो वर्मिसिल हमने बनाए थे उसके ऊपर ये वाला वर्मिसिल को बना देंगे। हमने बैटर को अच्छे से मिक्स नहीं किए थे, इसीलिए ये जो सिवई बन रहा है आप देख सकते हो, कहीं डार्क रेड है, कहीं येलो है, कहीं ऑरेंज है। ये वाला हम बनाने के बाद इसको 20-30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने से क्या होता है ना, अच्छे से ये सेट हो जाता है। अगर आपका पानी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है तो आप ये जो बाउल को फ्रिज में भी रख सकते हो आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इसको छोड़ेंगे, फिर बाद में चेक करेंगे। आधा घंटा हो चुका है तो अभी हम चेक करेंगे। आप देख सकते हो ये जो फालूदा सिवई है अच्छे से बन के तैयार हुआ है और एक एक करके बना हुआ है। आप इसको थोड़े से पानी में इस तरीके से डाल के फ्रिज में कवर करके रख के 5-6 दिन तक इसको सर्व कर सकते हैं और तरह तरह की डिशेस भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप भी एक बार फालूदा की सिवई घर में बनाए और देखना, बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। अपने मनचाहे कलर और फ्लेवर में इसको बनाए। रेसिपी आपको कैसा लगा, रेसिपी के बारे में जो भी आपके मन में क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।